तो हाँ, तो दोस्तों आज हम लोग कैपिटल गेन, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स में जो कैपिटल गेन होता है उसका हम आज लोग रिवीजन करने वाले हैं, जो नवंबर 17 के लिए एप्लीकेबल है। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन में किसका इनकम होता है, कि कहाँ से इनकम कमाते हैं जो कैपिटल गेन में आता है। हाउस प्रॉपर्टी में तो हम लोग समझे थे कि बिल्डिंग से जो इनकम होता है वो हाउस प्रॉपर्टी में आता है, लेकिन कैपिटल गेन में वैसा इनकम आता है जो ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल से आता है। तो कहाँ से आता है, तो हम लोग पहले ऐसे समझेंगे, एनी प्रॉफिट, कोई भी प्रॉफिट और गेन, कोई भी प्रॉफिट या गेन जो कहाँ से अराइज हो, ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल, कैपिटल असेट्स, वो कहाँ चार्ज होगा, ये कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल होगा, कैपिटल गेन्स के अंदर टैक्सेबल होगा। अब ऐसा है दोस्तों, सब एसेट्स कैपिटल एसेट्स नहीं होता है, ऑल एसेट्स आर नॉट कैपिटल एसेट्स, कुछ छोड़ के ऐसा है कि ऐसे तो सब कैपिटल एसेट्स होता है, लेकिन एक्सेप्ट कुछ एक्सेप्शन है कि वो सब कैपिटल एसेट्स नहीं आता है, एसेट्स तो है लेकिन कैपिटल एसेट्स में नहीं माना जाता है, जैसे स्टॉक इन ट्रेड, दूसरा पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, थर्ड होता है एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया। तो क्या हम लोगों को देखा ना, ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स बट एक्सेप्शन है स्टॉक इन ट्रेड, पर्सनल मूवेबल इफेक्ट और एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, ये तीनों कैपिटल एसेट्स नहीं होता है। फिर भी लेकिन क्या बोला गया, ये सब तो नहीं होता है कैपिटल एसेट्स, लेकिन इसी सब में से, इसी सब जो इसी के अंदर आता है उसको कैपिटल एसेट्स मानेंगे, जैसे ज्वेलरी, सेकेंड ड्राइंग, ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं, उसके बाद एनी वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट, सिक्योरिटी अगर हम हेल्ड करते हैं किसमें, FII में, अगर FII में हम लोग सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं, FII क्या होता है दोस्तों, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब इसको हम लोग कैसे समझे दोस्तों, जो एन इंस्टीट्यूशन, एक इंस्टीट्यूशन जो इस्टेब्लिश है कहाँ, आउटसाइड इंडिया, उसमें अगर हम लोग सिक्योरिटी हेल्ड करते हैं तो उसको हम लोग कैपिटल एसेट्स मानेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे कि कौन सा, मतलब एग्रीकल्चर लैंड जो होता है, ये एग्रीकल्चर लैंड इन रूरल एरिया, उसको कैसे हम लोग पहचानेंगे। तो एग्रीकल्चर लैंड रूरल एरिया को कहा गया कि जितना भी अर्बन एरिया में लैंड है उसके अलावा जो लैंड है अदर देन अर्बन एरिया, अर्बन एरिया के अलावा जो लैंड बचता है उसको रूरल एरिया में माना जाता है। तो अर्बन एरिया को यहाँ पे इजी हो गया, यही समझने के लिए, यही समझ सकते हैं हम लोग जल्दी, तो इसी को हम लोग समझ जाते हैं क्या होता है। अर्बन एरिया में लैंड इन एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया में कौन कौन सा आता है, अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड सिचुएटेड है विद इन म्यूनिसिपैलिटी, और कंटेनमेंट बोर्ड विद इन, अगर म्यूनिसिपैलिटी में है, जुरिडिक्शन ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, और
कंटोनमेंट बोर्ड के है में है, लेकिन हैविंग होना चाहिए 10,000 से, अगर पॉपुलेशन 10,000 और उससे ज़्यादा, 10,000 और मोर पॉपुलेशन है तो वो लैंड माना जाएगा अर्बन एरिया में। ये तो पहला हो गया। और दूसरा होता है दोस्तों, इसी आधार पॉपुलेशन के ही आधार पे हम लोग लेते हैं, कहाँ तक मानेंगे, अगर मोर देन 10,000 है, 10,000 से 1,00,000 तक है, 10,000 to 1,00,000, तो इसके में हम विदिन 2 किलोमीटर तक को, विदिन 2 किलोमीटर हम लोग मानते हैं। कहाँ से हम देखते हैं 2 किलोमीटर, फ्रॉम द लिमिट ऑफ लोकल लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी। म्यूनिसिपैलिटी कहाँ से देखते हैं 2 किलोमीटर, ये फ्रॉम लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपैलिटी का जो लिमिट होता है वहाँ से देखते हैं, वहाँ तक मानते हैं। अगर मोर देन 1,00,000, यहाँ था 1,00,000, यही 1,00,000 से 10,00,000 तक है, तो विद इन 6 किलोमीटर तक देखते हैं। फिर वही कहाँ से देखते हैं, फ्रॉम लिमिट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी से देखते हैं, उसको हम लोग अर्बन एरिया में मानते हैं। अगर मोर देन 3,00,000 पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन है, ये मतलब कहाँ तक मानते हैं वो है, अगर 10,00,000 मोर देन 10,00,000 है तो कहाँ तक मानते हैं, विद इन 8 किलोमीटर, अगर 8 किलोमीटर तक में कोई भी आता है तो उसको अर्बन एरिया में मानते हैं। अब दोस्तों हम इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, जितना अभी हम लोगों ने यहाँ पर प्रोविजन देखा उसका कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल में लेते हैं, अगर पर्सनल कार है तो ये एग्जेम्प्ट होता है, क्यों एग्जेम्प्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि ऑल एसेट्स आर कैपिटल एसेट्स एक्सेप्ट पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, यानी कि ये कार जो है वो पर्सनल है और मूवेबल इफेक्ट है, यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं हम लोग, इसीलिए यहाँ पे इसको एग्जेम्प्ट हो गया ये। इसके बाद हाउसहोल्ड एंड फर्नीचर, अगर हाउसहोल्ड एंड फर्नीचर है तो ये भी एग्जेम्प्ट है। तीसरा पर्सनल बिल्डिंग, पर्सनल बिल्डिंग है दोस्तों तो ये टैक्सेबल होगा, क्यों टैक्सेबल होगा, क्योंकि प्रोविजन में बोला है पर्सनल मूवेबल इफेक्ट, ये पर्सनल तो है लेकिन ये इमूवेबल है, लैंड बिल्डिंग इमूवेबल होता है इसलिए ये टैक्सेबल हो जाएगा। फोर्थ बिजनेस कार्ड, बिजनेस कार्ड जो है दोस्तों वो बिजनेस का है इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा, पर्सनल है नहीं। अगर एग्रीकल्चर लैंड USA में है तो ये टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड इन इंडिया एग्जेम्प्ट है, विदेश का लैंड, फॉरेन कंट्री का लैंड, अगर एग्रीकल्चर लैंड भी रहेगा तो भी टैक्सेबल हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग को जान लेना चाहिए कि कितना टाइप्स कैपिटल एसेट्स कितने तरह का होता है। कैपिटल एसेट दो तरह का होता है दोस्तों, शॉर्ट टर्म होता है एक लॉन्ग टर्म होता है। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है ये डिपेंड करता है पीरियड ऑफ होल्डिंग, या इसको हम बोल सकते हैं कि कितना दिन हमने कैपिटल एसेट्स को रखा बिटवीन परचेज एंड सेल, यानी कि कितना दिन पीरियड ऑफ होल्डिंग था मेरे पास वो होल्डिंग में था। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पहला अगर एक हम शॉर्ट बनाया इसका मॉल्स, M O U L Z,
अगर ये मॉल जो है सब समझाएंगे अभी, शॉर्ट टर्म निकाल लिए है इसका। अगर अप टू ये 12 मंथ है, अगर हम 12 महीना तक होल्ड करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म है, अगर इसके आगे करते हैं तो यही हो जाता है मोर देन 12 12 मंथ्स। 12 महीना से ज़्यादा ये होल्ड करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म हो जाता है। तो यहाँ पे एम से होता है दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में भी होता है इक्विटी ओरिएंटेड। दूसरा ओ से होता है दोस्तों अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज। यू से होता है दोस्तों यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि फर्स्ट म्यूचुअल एजेंसी है इंडिया का, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। एल से होता है दोस्तों लिस्टेड शेयर। जेड से होता है जीरो कूपन बॉन्ड। तो क्या मॉल्ज, मॉल्ज MOULZ, एम फोर म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड, अदर लिस्टेड सिक्योरिटी, यू फोर यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एल फोर लिस्टेड शेयर, और जेड से होता है जीरो कूपन बॉन्ड। अब दूसरा होता है दोस्तों अगर हम शेयर्स है मेरे पास, लिस्टेड नहीं है, लिस्टेड रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में नहीं है, अनलिस्टेड है रिकॉग्नाइज एक्सचेंज में, यानी कि NSE और BSE में लिस्टेड नहीं है, तो वो अगर 24 महीना तक है अप टू 24 मंथ्स, तो ये शॉर्ट टर्म है, अगर उससे ज़्यादा है तो लॉन्ग टर्म, मोर देन 24 मंथ्स ये मंथ है। तीसरा होता है दोस्तों अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में इसमें इंक्लूड होता है जो अभी हम लोग यहाँ पे देखे थे म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड, यहाँ इसमें आ जाता है म्यूचुअल फंड डेब्ट ओरिएंटेड। एक म्यूचुअल फंड डेब्ट ओरिएंटेड, अगर म्यूचुअल फंड डेब्ट ओरिएंटेड है और यहाँ पे देखे थे हम लोग लिस्टेड शेयर्स, यहाँ पे आ जाता है अनलिस्टेड शेयर्स। अगर ये अप टू 36 मंथ होल्ड करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म, अगर उससे ज़्यादा करते हैं मोर देन 36 मंथ तो ये हो जाता है लॉन्ग टर्म। तो एक बार हम जल्दी जल्दी बता देते हैं दोस्तों, यहाँ पे था म्यूचुअल फंड, अदर लिस्टेड सिक्योरिटीज, यूटीआई, लिस्टेड शेयर्स, जीरो कूपन बोन। अगर ये हम 12 मंथ तक करते हैं तो शॉर्ट टर्म, उसके बाद करते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। शेयर्स अगर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है तो 24 मंथ्स तक शॉर्ट टर्म, उसके बाद मोर देन 24 मंथ्स अगर होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अदर एसेट्स में म्यूचुअल फंड, यहाँ पे इक्विटी ओरिएंटेड था, यहाँ पे डेब्ट ओरिएंटेड, यहाँ पे लिस्टेड शेयर्स था, यहाँ पे अनलिस्टेड शेयर, अप टू 36 मंथ्स शॉर्ट टर्म और मोर देन 36 मंथ्स होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म हो जाता है। अब देख दोस्तों फॉर्मेट कैपिटल गेन का कैसा होता है। सेक्शन 48 मोड ऑफ कंप्यूटेशन। मोड ऑफ कंप्यूटेशन दोस्तों, एक तो हम लोग देखे थे कि शॉर्ट टर्म होता है, एक लॉन्ग टर्म होता है, तो दोनों का अलग अलग होता है कैलकुलेशन, थोड़ा अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। ये हो गया फॉर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये हो गया फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। पहले वही पार्टिकुलर, यहाँ पार्टिकुलर, यहाँ अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट, यहाँ लेते हैं हम लोग फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन दोस्तों, जितना पे हमने बेचा, यानी कि जो कैपिटल एसेट्स मेरे पास था उसको हम कितना पे बेचा, सेल्स किया, कितना पे सेल्स किया, वो आता है। इधर भी वही आता है फुल वैल्यू ऑफ कंसिड्रेशन। इसमें से लेस हो जाता है, लेस हो जाता है एक्सपेंडिचर।
एक्सपेंडिचर इनकर्ड जो जितना करते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड होल्ली और एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सच ट्रांसफर, यानी कि एक्सपेंस जो